बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री अमीषा पटेल को आज कौन नहीं जानता। इन्होंने अपनी दमदार एक्टिंग और बला की खूबसूरती से दर्शकों के बीच में अपनी खास पहचान बनाई है। साल 2000 में आई इनकी डेब्यू मूवी कहो ना प्यार है में इनके दमदार एक्टिंग को लोगों के द्वारा बहुत पसंद किया गया था। बाद में 2001 में आई इनकी गदर मूवी से ये रातों रात स्टार बन गई थी। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर में एक से एक हिट फिल्में बॉलीवुड इंडस्ट्री को दी हैं। अमीषा पटेल ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जितनी कामयाबी बटोरी है उसे कई ज़्यादा पर्सनल लाइफ में ये सुर्खियों का हिस्सा बनी रही हैं। इन्होंने अपने एक्टिंग करियर में ऐसे बहुत सारे अजीबोगरीब काम किए हैं जिससे ये हमेशा लाइमलाइट का हिस्सा बनी रही हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको अमीषा की उन कंट्रोवर्सी के बारे में बताएंगे जिनसे ये हमेशा सुर्खियां बटोरती हैं। अगर आप भी अमीषा की कंट्रोवर्सी के बारे में अधिक जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपनी फेवरेट एक्ट्रेस अमीषा पटेल के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत एक्ट्रेस अमीषा पटेल हमेशा किसी न किसी कॉन्ट्रोवर्सी से सुर्खियाँ बटोरती रहती हैं जिससे कि वो लाइमलाइट का हिस्सा बनी रहे। अमीषा अक्सर ऐसे कई अजीबोगरीब काम करती हैं जिससे मीडिया में इनकी चर्चाएं होती रहे और इसी के चलते ये कभी अपने अजीबोगरीब हॉट फोटोशूट करवाती हैं जिससे लोगों के दिलों में हलचल मचती रहे या फिर ये कभी अपने लव अफेयर के चर्चे सरेआम मीडिया में करती रहती हैं। इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में विक्रम भट्ट के साथ अपना रिश्ता जोड़ा था। इन दोनों ने एक दूसरे को करीब 5 साल तक डेट किया पर बावजूद इसके इन दोनों ने कभी भी शादी करने का फैसला नहीं लिया क्योंकि विक्रम भट्ट पहले से ही शादीशुदा थे और इन दोनों के अफेयर्स के चलते ये हमेशा लोगों के बीच विवाद का हिस्सा बने रहते थे। इनका एक बार रणबीर कपूर के साथ भी नाम जोड़ा था। ऐसा कहा जाता है कि अमीषा ने रणबीर के साथ अपना नाम जोड़ा था ताकि इन्हें लाइमलाइट और फिल्म नसीब हो सके। हाँ तो तब हो गई जब अमीषा ने एक मीडिया में किए बातचीत में ये जग जाहिर किया कि इनकी मम्मी इन्हें मारती पीटती हैं और इनके पैसे का गलत इस्तेमाल भी करती हैं और यहाँ तक कि इन्होंने ये भी कह दिया कि इनकी मम्मी ने इन्हें मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि वो विक्रम भट्ट से शादी करना चाहती थी। लेकिन इनकी मम्मी ने एन वक्त पर आकर मीडिया में सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, बस अमीषा विक्रम भट्ट के पीछे पूरी तरह से पागल हो चुकी हैं। अमीषा पटेल की सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो यानी इसे एक स्ट्रिंग ऑपरेशन कह सकते हैं, मीडिया ने एक बार अमीषा से ये पूछा था कि वो उनके पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करेंगी तो अमीषा ने बदले में जवाब दिया कि इन्हें इस काम के लिए अगर पैसे मिलेंगे तो ज़रूर सपोर्ट करेंगी। अमीषा के इस बात से लोगों में इनके लिए नफरत सी पैदा हो गई है और लोग भी इन्हें इस चीज़ के लिए काफ़ी भला बुरा कह रहे थे। तो आपको ये बात अच्छे से समझ में आ चुकी होगी कि अमीषा पटेल लाइमलाइट और पैसों की कितनी भूखी हैं। वो अपने अजीबोगरीब हरकतों से सिर्फ लाइमलाइट और पैसा ही कमाना चाहती हैं। तो दोस्तों आपको अमीषा की इन कॉन्ट्रोवर्सी के बारे में जानकर कैसा लगा आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी और भी मज़ेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।